महिलाओं की योनि में से सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होना और उनका ये सोचना कि अभी इसको क्लीन कैसे करूं, अभी मेरे पीरियड्स होने वाले थे, ठीक है, उससे पहले तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से गर्मी, स्वेटिंग, अब इसके लिए मैं क्या करूं, ठीक है, अंडर आर्म्स में पैच बन रहे, मेरे कपड़े ख़राब हो रहे, मैं क्या करूं, कैसे अपनी योनि को साफ़ करूं, इन सब से रिलेटेड डाउट्स अगर आपके मन में है तो वो डाउट्स आपके क्लियर होने वाले, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ से डिस्कस करते हैं जो मैंने स्टार्ट किया था, डिस्चार्ज, राइट। तो डिस्चार्ज होता क्या है, डिस्चार्ज होता है जो योनि में से आपका फ्लूइड निकल रहा है, ओके, उसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीरियड्स का टाइम होता है जब, तो उससे पहले क्या होता है कि ये ज़्यादा हो जाता है डिस्चार्ज, मतलब कि आपको ऐसा वेट वेट सा फील होने लग जाएगा, चिपचिपा सा फील होने लग जाएगा, जो आपके अंडरवेयर है उस पर आपको वाइट वाइट पैच दिखेगा, तो बहुत इरिटेशन होती है उसको लेकर के। और कई लोगों को क्या होता है कि स्वेट भी उसके साथ आ रहा है, डिस्चार्ज भी उसके साथ आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोगों को तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक बेस्ट तरीका मैं आपको आज बता रही हूँ, पेंटीलाइनर्स। अब पेंटीलाइनर्स क्या होते हैं, पेंटीलाइनर्स पैड की तरह ही होते हैं, जैसे आप पैड्स लेते हो, ओके, सैनिटरी पैड्स, लेकिन वो उसका छोटा वर्जन होता है, इतना छोटा, इतने मेरे हैंड जितने छोटे छोटे से होते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो तो आपको इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करते कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर क्या होता है, ब्लड होता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पीरियड्स के टाइम पे पैड्स को हमें जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, लेकिन पेंटीलाइनर को हम थोड़ा लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं। पेंटीलाइनर्स को आप नॉर्मल डेज पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता है कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने वाला है तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। अभी आपको उसको यूज़ कैसे करना है, सेम जैसे कि आप पैड को अपने अंडर वेयर के ऊपर लगाते हो, चिपकाते हो, वैसे ही आपको पेंटीलाइनर को लगाना है और क्या करना है, उसको यूज़ करना है, और वो आपको इससे तो बचाएगा ही, स्वेटिंग से, इरिटेशन से, इचिंग से, और साथ साथ आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा। ओके, अभी एक और ब्यूटीफुल हैक बताती हूँ पेंटीलाइनर्स का जो आप कर सकते हो। जैसे कि कई लोगों को क्या होता है कि अंडर आर्म्स में से स्वेटिंग होती है तो ना इतने इतने कपड़े पे ऐसे पैच बन जाते हैं, तो क्यों, क्या करें उसके लिए, उसके लिए आपने सुना होगा आजकल की क्या आते हैं, ऐसा पैड्स जैसा आता है जो सिर्फ अंडर आर्म्स के लिए होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अंडर आर्म मतलब जो क्लोथ होता है ना उस पर लगाते हैं वो पैड्स, लेकिन वो काम पेंटीलाइनर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप पेंटीलाइनर को अपने ये जो कपड़ा है ना उसके ऊपर, जैसे आप अंडरवेयर पे चिपकाते हो वैसे इसको सेंटर मान के इधर अंदर की तरफ से चिपका सकते हो, तो आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और आपकी जो स्वेटिंग होगी वो ये सोख लेगा, इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगा, स्मेली भी नहीं होगा और वो पैच दिखाई नहीं देगा। ओके, तो आप वो यूज़ भी कर सकते हो, किसका, पेंटीलाइनर का। और डाउट्स क्या होते हैं कि ना क्लीन कैसे करें उस एरिया को। सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, पहले भी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो, कि जो ये हाइजीन वॉशेज़ होते हैं जो अलग से योनि को साफ़ करने के लिए वॉशेज आते हैं, वो यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि जो आपकी योनि है वो एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गन है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है मैं कहूँगी, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि उसको पता है कि उसको खुद को कैसे क्लीन करना है, लाइक कि हम अपना घर क्लीन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब कुछ साफ़ वाफ करके पोछे का पानी बाहर फेंक देते हैं, ऐसे ही हमारी योनि क्या करती है, सब कुछ अंदर से क्लीन करके डिस्चार्ज जो होता है उसको बाहर फेंक देती है पोछे के पानी की तरह, राइट। तो वो एक ब्यूटीफुल चीज़ है उसकी कि वो खुद को खुद क्लीन कर सकती है, तो आपको उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की या फिर ज़्यादा हार्श चीज़ें यूज़ करने की या कुछ केमिकल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं, आप नॉर्मल वाटर से उसको यूज़ करें। अभी गलती कहाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ, गलती होती है वाइपिंग में या क्लीनिंग के टाइम पे। क्लीनिंग के टाइम पे लोग करते क्या है कि पीछे से आगे की तरफ को वॉश करते, जो आपका पॉटी वाला ओपनिंग होता है उससे आगे की तरफ, जो आपकी योनि होती है उसकी तरफ, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐसा क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, आगे की तरफ आपकी क्या है, योनि भी है और यूरेथ्रा भी है। यूरेथ्रा क्या है, जहाँ से सुसु आपका आता है वो वाली ओपनिंग है, ओके, और पीछे आपका क्या है, पॉटी वाली ओपनिंग है। अभी जो पीछे वाला एरिया है वो एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, बैक्टीरियाज होने के चांसेस, या फिर मैं कहूँगी होते हैं वहाँ पे, वहाँ पे बहुत एक्स वहाँ पे ना
वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को वहाँ से लेकर के आगे खींच के ला रहे हो कि भाई यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी अपना घर बनाओ, यहाँ भी अपनी फैमिली लेकर के आ जाओ और मुझे इन्फेक्शन कर दो। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो ना, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप पीछे से आगे की तरफ वाइप नहीं करें या पीछे से आगे की तरफ वॉश नहीं करें। हमेशा कैसे वॉश करोगे, आगे से पीछे की तरफ वॉश करोगे। ओके, तो ये एक गलती थी, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज के आज आपको बंद कर देना है बिल्कुल। और क्या गलती होती है, और मतलब डाउट्स या गलती मैं बोलूँगी अंडरवेयर को लेकर के। हाँ, आप चाहते हो कि आप लेस वाले या नेट वाले या ब्यूटीफुल दिखने वाले अंडरवेयर पहनो, दैट्स फाइन कि आप किसी किसी दिन कभी कभी वो पहन रहे हो, लेकिन डेली यूज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सिंथेटिक एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर भी स्किन है, आपकी स्किन को भी सांस लेना चाहिए ना, आपकी स्किन को भी सांस लेना होता है, तो उसको सांस लेने दो। उसको एक ना सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक वाला अंडरवेयर दो वहाँ पर पे कि ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। ओके, तो वो वहाँ पर आपको इची नहीं करेगी, इरिटेट नहीं होगी, जो स्वेट है वो भी क्या है कि बाहर जा पाएगा। ओके, और जो भी गीलापन होता है वो भी बाहर जा पाएगा, अंदर लोक नहीं होगा, और वो अंदर लोक नहीं होगा तो आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और अगर आप पीरियड्स के टाइम पे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो उसको स्टेरलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टेरलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सैनिटाइज़र लेके उसको क्लीन करोगे या फिर कोई केमिकल लेके उसको क्लीन करोगे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें गर्म पानी करना है, उसको बॉयल होने देना है और उसके अंदर उसको वॉश करना है आपको। ओके, और ये आपको पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद करना है, और पीरियड्स के दौरान आप जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको सिर्फ वॉश कर सकते हो कोल्ड वाटर से। हॉट वाटर से उस टाइम पे आपको उसको वॉश नहीं करना है, जब आप उसको खाली करो तो आप उसको वॉश कर लो। ये थी किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो और पैड्स का तो यही होता है कि हम उसको यूज़ करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी कि आप अपनी योनि का हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हो, जो डाउट्स मुझसे लोग पूछते भी हैं, तो मैंने सोचा कि उन डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। तो वीडियो को आपको शेयर करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाले डाउट्स लोगों को रहते हैं, महिलाओं को रहते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को शेयर करना है बिल्कुल। ओके, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका कोई डाउट क्लियर हुआ है तो, और अगर आपका कोई और डाउट है इन चीज़ों से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड या योनि से रिलेटेड, कुछ भी। ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो शेयर करूँगी या फिर आपके डाउट का आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।